अब पकड़ के बैठना रहेगा। ये क्या जा रही है? अबे रॉकेट है ये। सामने गाइस एक्टिवा आ गई। अरे यार पूरा मूड खराब हो गया। भाई मैं हूं रवि से, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भाई आज हम इस ओला स्कूटर को टेस्ट कर लेते हैं भाई कितनी क्या भागती है। तो सुमित भाई और मैं दोनों भाई रेडी हैं स्कूटर के ऊपर बैठ के। देखो देखो भाई क्या है कि आगे तो हर कोई चलाता है, मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा इसको पहले रिवर्स से शुरू करते हैं। तो इसकी रिवर्स की टॉप स्पीड देखते हैं कितनी जाती है दो लोगों पर। नहीं टॉप स्पीड तो वही जाएगी, अपने पांव से जैसे धकाओगे उतनी जाती है मुझे पता है, बट रिवर्स गियर ये जो मतलब रिवर्स चलती है उसमें दम कितना है वो जरा मैं चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो आर का बटन लिखा है, इसको जैसे ही दबाएंगे, पहले तो राइड मोड ऑन किया, आर का बटन लिखा है, ये रिवर्स मैंने लगा दी। अब अपन जैसे दो लोग बैठे हैं तो दो लोग में भी रिवर्स जाती है क्या देखते हैं। ये एस्केलेटर को इधर करना पड़ता है और भगा बस ये मैक्सिमम है इतनी है। तो भाई इतनी ये देखो तेज है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है। और सिब्बो एक मिनट आना जरा, 3 लोगों को बिठा के पीछे ले जा पाती कि नहीं जरा देखते। अब भाई एक बंदे को और बुलाया हमने ओला वाले को, तो भाई 3 लोग बैठ के देखते हैं पीछे जाती कि नहीं जाती। पीछे जाती मैं कॉल पे हूँ यार भाई, मैं थोड़ी देर से लगा रहा हूँ। चलो अब जैसे हम 3 लोग बैठ गए गाइस, और देखो भाई अब भी ये रिवर्स में जा पाती है नहीं देखो। अरे वाह यार भाई फुल जा रही है फुल, वो कांटे पे चढ़ गई। कांटे पे चढ़ा दी तूने? नहीं चढ़ी रे, वैसे दूर इधर कर, इधर रास्ते पे कर भाई, दिल दुखता है यार ऐसी चीज मत करा करो। एक सेकंड हाँ वही रहना, बैठा ही है ना। हाँ फिर से रिवर्स अच्छी घाट पे चढ़ाना, रिवर्स में रिवर्स में घाट पे चढ़ाना तो सही घाट था। अरे यार कहाँ है, वहाँ से वहाँ तक ला। चलो भाई इधर थोड़ा नीचे जगह है और इस साइड थोड़ा सा घाट है, तो हम रिवर्स में घाट पे लेके आएंगे 3 लोग। चलो अभी देखते हैं कितनी जाएगी रिवर्स। ये रिवर्स लगा दी मैंने। लगा चलने दो भाई। तीन अबे और तेज जा रही है पर यार ये 3 किलोमीटर भाई 3 किलोमीटर पर आवर तक जाती है रिवर्स में ना। रिवर्स में और इसको यार कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 2 बिठा लो 3 बिठा लो और 3-4 और बिठा लो जगह हो तो भाई ये सब सीन होता है। ये रिवर्स की स्पीड तो हो गई भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है। अब हम 2 लोग जा रहे हैं, थोड़ा इसको और टेस्ट कर लेते भगा के। चलो भाई आप थोड़ा सा आराम कर लो। चलो ठीक है भाई, सुमित भाई के हाथ में है ये स्कूटी, अब आगे का एक्सपीरियंस पूरा वो बताएंगे, पीछे का मैं बताऊंगा कैसा महसूस कर रहा हूँ मैं पीछे बैठ के। भाई सबसे पहले तो आपको मैं इसका बैठने का बता दूं, देखो सीटिंग पोजीशन जो चलाने वाला है ना उसके लिए तो एकदम बेस्ट है। यहाँ पे देखो थाई सपोर्ट वगैरह थोड़ा सा पीछे सरक के अगर आप बैठो तो एक नंबर है। सीट का जो फोम है वो भी बढ़िया एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो मिरर हैं देखो ये आप यहाँ पे हमको दिए गए हैं, ये भी प्रॉपर एकदम अच्छा व्यू जो है वो हमको देते हैं। तो फिलहाल मैं हूँ नॉर्मल मोड पे। इसका एक्चुअली इको मोड जो है ना काफ़ी ज़्यादा बैटरी डाउन चली जाती है उसके बाद ही ऑन होता है। पहले ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल, स्पोर्ट या फिर हाइपर, 3 मोड में ये चल सकती है। इसका नॉर्मल मोड चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर तीनों में चला रखी है, आपको मैं दिखाता हूँ। नॉर्मल भी भाई ऐसा आप मत समझिएगा कि बिल्कुल एकदम गया बीता है कि 30-40 तक ही भगेगी, दम नहीं पकड़ेगी। नॉर्मल में भाई बहुत ताकत है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे नॉर्मल मोड थोड़ा सा हम ये सामने हाईवे दिख रहा है, यहाँ पे आप देखें भाई साहब नॉर्मल मोड में चल रही है, अभी इसको नॉर्मल मोड में एक बार खींच लेते हैं। अभी मैं एकदम जीरो में मतलब वो दिखा रहा हूँ, मतलब ज्यादा भगा नहीं रहा हूँ इसको, ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मैं खड़ा करता हूँ जरा, और अब मैं एकदम जीरो करके और फिर इसको खींच रहा हूँ। ठीक है ठीक है, नॉर्मल मोड में है भाई, ये नॉर्मल मोड में। ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ इसको टाइट, जान दो। ये एस्केलेटर मेरा पूरा फुल है। ठीक है 150 तक चली गई है, 60 तक चली जाएगी आराम से। ये देख लो गाइस 68 तक हम लेके गए, थोड़ा सा मतलब एकदम ज़्यादा जिसको एग्रेसिव होके नहीं चलाना है उसके लिए बहुत ही बेस्ट है ये इसका नॉर्मल मोड। अब मैं आपको एक बार स्पोर्ट मोड में दिखाता हूँ गाइस, स्पोर्ट मोड में ये यहाँ से मोड चेंज कर दिया, यहाँ पे स्पोर्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है अब देखो ये देखो, अरे भाई इसमें बहुत तेज पकड़ती है भाई स्पीड ये। देखिए गाइस स्पोर्ट्स मोड
और शानदार था। स्पोर्ट्स मोड भाई, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट है, जो हाया है भूसा जो चला के आए हैं ना, अब जो मोड है हाइपर मोड, केवल उन्हीं लोगों को जरूरत पड़ेगी जो हाया भूसा चला के आए होंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स मोड यार देखो 80 पे चली गई थी, कितनी देर लगी होगी, 10 सेकंड के नीचे ही थे अपन। चलो अभी देख लेते ना एक बार और। अब हाइपर मोड वो तुम टाइम चालू कर देना, अब इसको डायरेक्ट हाइपर मोड में डाल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने डाली इसको हाइपर मोड में। अब भाई इसके आगे कोई गाड़ी नहीं लगेगी, देखना एकदम रॉकेट बनने वाली है। थोड़ा मैं आगे पीछे देख लेता हूँ, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एस्केलेटर दे रहा हूँ, उसी में ये भगने को बेताब हो रही है बिल्कुल। पीछे देख लो पूरा रोड खाली हो जाएगा, रोड तो निकल जाएगा पूरा खाली हो जाएगा, फिर हाइपर मोड में इसको रगड़ेंगे। एक काम करते हैं, सुनो एक काम करते हैं, वहाँ से यू टर्न लेके आते हैं, उस रोड पे चलाते हैं हाइपर मोड। तो भाई हाइपर मोड लगाने के लिए हमको पहले थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा उधर साइड, क्योंकि ये बहुत तेज चलती है और अभी हम नए नए चला रहे हैं ना, तो ज़्यादा सामने क्योंकि स्क्वायर है सामने, आप देखेंगे ना तो वहाँ पे देखो चौराहा है, आईटीआई है सामने, तो इसलिए हम इसको मोड़ लेते हैं पहले स्पोर्ट्स और ये हाइपर, ठीक है। आप पकड़ के बैठना रहे दादा, ठीक है। तो भाई ये क्या जा रही है, अबे रॉकेट है ये, सामने गाइस एक्टिवा आ गई एकदम से। अरे यार पूरा मूड खराब हो गया, तूने हाइपर मोड की बारा बजा दी। एक्चुअली गाइस सामने ट्रैफिक ज्यादा है तो स्कूटी आ गई थी एकदम से, तो हम इसका हाइपर मोड टेस्ट नहीं कर पाए, एक बार और करें, मतलब फील तो जो हमको हो रहा है वो तो आप इसको चला के ही कर सकते हैं, जान दो, पर अगर देख सकते हो तो देख लो। बस गाइस इससे ज्यादा मैं यहाँ पे ट्रैफिक में भगा भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसी रोड है जहाँ पे आप नॉर्मल अगर बाइक से चलोगे तो आप 40 या 50 की स्पीड क्रॉस कर जाओ तो मतलब अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। बट हम यहाँ पे एकदम पलक झपकते 80 वगैरह की स्पीड अगर क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब ठीक है यार, सोच सकते हो कितना बढ़िया होगा ये। अब हम बात करते हैं भाई इसको भगा के देख लिया बाकी सारी चीज़ों की, तो देखो वैसे डिज़ाइन वाइज अगर मैं इसकी बात करूँ तो रोड प्रेजेंस इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इंडिया की और भी जैसे बाकी स्कूटीज रहती हैं उतना ही है, लेकिन रोड प्रेजेंस इसकी वहाँ बढ़ जाती है जब हम इसमें चलाते हैं म्यूज़िक, जैसे कि देखिए मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ। रोकना पड़ेगा उसके लिए आपको, उसके लिए एक सेकंड मुझे ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेने दो, साइड में कर लेने दो। हमने गाड़ी चला दी थी, चलती हुई गाड़ी में पैर नहीं होता है। हाँ अब इसमें म्यूजिक चलाने के बाद जो मज़ा आता है, जैसे देखिए गाइस शोर शराबे में म्यूजिक वगैरह चलाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, वो तो ऐसा है कि अगर आप अच्छी खाली लोकेशन में जा रहे हो, ज़्यादा तेज नहीं, एकदम सुकून का काम है, थोड़ा मूड वगैरह है तो चला लो, या फिर गाड़ी खड़ी है और फिर आपको जैसे यहाँ पे चलाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पार्टी मोड, प्ले म्यूजिक इन पार्क स्टेट टू एक्टिवेट पार्टी मोड, ये पार्टी मोड यहाँ पे ऑन हो जाता है खड़ी गाड़ी में अगर आप म्यूजिक बजाते हैं जैसे, तो जैसे गाइस कॉल वगैरह भी आ रहा है तब भी इसमें यहाँ पे शो कर देता है, जैसे पापा का कॉल आ रहा है तो उठाना है कि काटना है पड़ेगा अभी। चलो बात कर लो पहले फिर करते हैं अपन बात। स्पेशल बात वहाँ पे हो जाती है जब आप इसको लेके और जब म्यूजिक चलाते हो ना, लोग वाओ का टेंशन इतना भयंकर आता है कि भाई ये क्या ही बना दिया यार कंपनी ने, कभी सोचा नहीं था कार वगैरह में म्यूजिक चलो सुना है, फेरी वाले जो बजाते हैं चलो वो भी सुना है, पर ये अलग ही है। स्पीकर की क्वालिटी की अगर मैं आपको बताऊँ उतने अच्छे नहीं है, नॉर्मल ही है, बट फिर भी भाई सबसे बढ़िया, मतलब अच्छा भी नहीं बोल सकते इस फीचर को, ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते, ठीक है, यूनिक चीज़ है, पहली बार किसी स्कूटर में देखने को मिल रही है। भाई फिर से कॉल आ गया है। भाई मैं आपको इसके थोड़े से सस्पेंशन के बारे में बताता हूँ, मतलब अभी तक स्कूटर्स में जितने भी मैंने सस्पेंशन देखे हैं उनमें से सबसे बेस्ट सस्पेंशन मेरे को इसके लगे यार, ये हल्के फुल्के जैसे ये गड्ढे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये, अब देखना रवि दादा तुमको मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ज्यादा? नहीं पड़ रहा भाई ज्यादा, मतलब हल्का फुल्का ग्लिटर तो आएगा पर उतना ज्यादा पता नहीं चलता, जैसे यहाँ से नीचे भी उतारी तो स्कूटर की जो सस्पेंशन है वो मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं और जो इसको मतलब ऐसा। तो भाई ये इसका राइड इंप्रेशन था, पहला इंप्रेशन, अभी हम लोग इसको क्या है थोड़ा सा इसको हम लोग अब थोड़ा घूम फिर लेते हैं, अब वीडियो बनाना कम करके
और हम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा घूम फिर लेते हैं गाइस। सो आप एक काम करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्दी इसके साथ एक लंबी लंबी ट्रिप होने वाली है गाइस। थैंक यू।